नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब कोई आपको बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करे तो क्या करें। व्हाट टू डू व्हेन समवन कीप्स ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग यू। अब लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में आप जाके फंस चुके हो जहाँ पे सामने वाला इंसान, जिसके साथ आपने दोस्ती रखी है, जिसके साथ आपने अपना रिश्ता रखा है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान हमेशा आपको ब्लॉक अनब्लॉक करता रहता है। उसके पास कुछ खेलने के लिए नहीं है, उसके पास कोई गेम नहीं है, तो उसने एक खेल बना लिया है ब्लॉक करने का अनब्लॉक करने का। और इसी चीज़ में वो इंसान मस्त है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हो, हैरान हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप थक चुके हो। और अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना आप, ठीक है। चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तीन चीज़ों के बारे में आज आपका दोस्त होस्ट कोच बात करेगा। एक पहली चीज़ आपके साइड से हो सकती है, दूसरी चीज़ उसके साइड से हो सकती है, और तीसरी चीज़ उसी के साइड से हो सकती है, ठीक है। पहली चीज़ के ऊपर बात करूँगा। या तो कंडीशन ऐसी है कि गलती आपकी है, कि आप क्या करते हो, आप बिना मतलब सामने वाले इंसान में घुसने की कोशिश करते हो, उसको अपना पर्सनल स्पेस नहीं देते हो, उसको अपना पर्सनल टाइम नहीं देते हो, एकदम कॉल पे कॉल, मैसेज कॉल्स, वीडियो चैट्स, ये वो, एकदम बहुत ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हो उसके पर्सनल स्पेस में, उसकी पर्सनल लाइफ में। तो वो क्या करता है इंसान, वो आपसे प्यार करता है या फिर वो आपकी इज्जत करता है, बट अब इस चीज़ से वो परेशान हो गया है, तो उसने क्या किया है, उसने एक टाइम बना लिया है कि मैं इसी टाइम पर आपको जो है अनब्लॉक करूँगी, और बाकी जो टाइम है वो आप ब्लॉक ही रहोगे। अब ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, भीख मांगना स्टार्ट करते हैं कि अनब्लॉक कर दो मेरे को, या तो किसी और से कहलवाएंगे या फिर दूसरी आईडी बना के उसको मैसेज करेंगे कि यार हाय हेलो अनब्लॉक करो मेरे को, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर दूसरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि मेरे को अनब्लॉक करो। अगर देखो किसी का इंटरेस्ट होता तो आपको दूसरी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे नंबर से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है कि मेरे को बात करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो चाहे आप 100 नंबर लेके आ जाओ, मैं 100 के 100 ब्लॉक कर दूंगा, तो वो 100 के 100 ब्लॉक कर देगा, समझ रहे हो। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ख़त्म आप भी ख़त्म। अब वहाँ पर इंटरेस्ट ख़त्म तो आप लेके तो भीख नहीं मांग सकते भैया कि यार मेरे को अनब्लॉक करो, मेरे से बात करो, मेरी थोड़ी कदर करो, 5 मिनट निकाल लो मेरे लिए, 10 मिनट निकाल लो, रो या फिर उसको अपने इमोशंस में बहलाओ कि कर लो प्लीज़, ये तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने मैटर करते हो, क्या करते हो, कि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ बताना इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। थर्ड केस आता है मेरे दोस्त, थर्ड केस में आया कि आपने सामने वाले इंसान को इरीटेट कर दिया है या फिर आपने सामने वाले इंसान को परेशान कर दिया है, ठीक है। कि हाँ होते हैं हम लोग, हम में से कई लोग होते हैं, हो सकता है कि इंटेंशनल ना हो, अनइंटेंशनल हो, लेकिन परेशान कर देते हैं, बहुत सारे कॉल्स करके, बहुत सारे मैसेजेस करके सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि यार अगर मेरा वेरी बेसिक नेचर इतना केयरिंग है जिसकी वजह से सामने वाला इंसान परेशान हो जा रहा है, तो मेरे को अपने नेचर को भी बदलना पड़ेगा। तो अपने नेचर को बदलिए आप, तीसरा ये काम कीजिए। नहीं है किसी के पर्सनल स्पेस में मत घुसिए आप, थोड़ा सा दूर रहिए। कोई आपको अलाउ करे, कोई आपको बोले कि आओ जी, वेलकम है, स्वागत है आपका, वो वहाँ पे जाना है, बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं पे नहीं घुस जाना है, इंसल्ट ही होगी फिर वहाँ पे आपकी, वहाँ पे सामने वाला इंसान इरीटेट होकर आपको ब्लॉक ही कर देगा। यार ये तो मतलब लगे ही पड़ा है, ये सुधर नहीं रहा है, सामने वाला इंसान थोड़ा देखेगा फिर आप वहाँ पे लगे ही हो तो फिर वो ब्लॉक कर देगा। तो अगर आपका नेचर ऐसा है, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, देन माय फ्रेंड इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, इस चीज़ को बदलिए और अपने अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आइए, थोड़ी सी सेल्फ स्टीम लेके आइए। जहाँ पे इनविटेशन हो वहीं पे जाइए, हर जगह मुँह उठा के मत चले जाइए, ठीक है, ये चीज़ कीजिए। अब बात करते हैं क्यों ब्लॉक करता है, लोग क्यों ब्लॉक करते हैं, चाहे सामने वाला इंसान क्यों ब्लॉक करता है हमें। जब कोई हमें ब्लॉक कर दे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों ब्लॉक करते हैं लोग, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज नहीं करना चाहते, वो आपसे वीडियो कॉल नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उनको मैसेज करके बॉदर करो, वो नहीं चाहते कि आप उनको परेशान करो, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर देते हैं।
कई लोग आपको यूजुअली ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एनी रीजन, ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने डिसीजंस हैं, ठीक है जी। बट कई बार हम किसी को इतना परेशान कर देते हैं कि वो खुद ही सामने वाला जो इंसान है वो परेशान होके हमें ब्लॉक कर देता है कि ठीक है जी, इसी लायक हो आप और यही चीज़ आप डिजर्व करते हो।